बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे लिए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा हमारे पास कि लेट्स से कि व्हाट इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है। तो जो राइट साइड पे ये मैंने इक्वेशन में लिखा हुआ था, दिस इज द कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। अभी रैशनल कैसे है, जब भी कोई चीज़ ओवर में लिखी हो और उसके न्यूमिनेटर में कोई पॉलिनॉमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। एंड व्हाट इज द पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल मीन के जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस लिखे हों एक्स की फॉर्म में हो और उनको आपने ऐड किया हो इनके विद प्लस और माइनस साइन, जैसे ये हमारे पास 5x² + 5x - 3। तो इसमें सारे के सारे अल्जेब्रिक फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं एक्स के फॉर्म में, सबकी कोई ना कोई पावर है, ठीक है। और जो पावर है वो मस्ट है कि वो कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक पॉलिनोमियल बन जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक्स की पावर 2 है इससे पॉजिटिव इंटीजर, एक्स की पावर 1 है इससे पॉजिटिव इंटीजर, 3 के साथ एक्स की पावर 0 है इससे पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये एक क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। इस तरह डिनोमिनेटर में अलग से एक क्या पॉलिनोमियल है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर पॉलिनोमियल में और ओवर में अगर वो लिखे हो तो वो क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास, एक रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है नहीं? अब रैशनल फ्रैक्शन को अगर आप ब्रेक करें, रैशनल फ्रैक्शन को अगर आप ब्रेक करें और उसको उसको डिफरेंट पार्ट्स में बना दें तो वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, उसके पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। लाइक ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इस वक्त इक्वल है, लेकिन इसमें हमने बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका एलसीएम लिया हुआ है और एलसीएम लेने के बाद इसको कंबाइन करके हमने ये राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट बनाया। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी अगर आपके पास प्लस में माइनस में हमारे पास कोई मल्टीपल टर्म्स हैं या रैशनल नंबर्स हैं तो उनको आप एलसीएम लेके कंबाइन करके एज अ यूनिक न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन इसमें हम इसका रिवर्स करेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन जब कन्वर्ट होगी तो हमारे पास क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो राइट साइड पर क्या है हमारे पास, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पहले फर्स्ट की बात कर लें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की राइट साइड पर अगर आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इस राइट साइड के एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्सप्रेशन हमने दिया हुआ है, क्योंकि उसमें हमने ब्रेक किया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे, आप इसमें जब ब्रेक हुआ होगा तो प्लस के साइन के साथ हमारा इंटीग्रेशन का रूल है कि आप इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को आप इस तरह से इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई कर सकते हैं और इस टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इनके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आप रूल अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है। इसी तरह प्लस के बाद ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसमें भी नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने रूल्स पहले इसके बारे में पढ़े हैं, अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो, अब एल एन इंटू फंक्शन लिख सकते हैं, तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगी एल एन एक्स माइनस वन प्लस 2 ln x + 2। तो ये आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में जब होगा तो आप वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है कि आपके इंटीग्रेशन को आप इजीली इवेल्युएट कर सकें। सेकंड एग्जांपल में अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये इज अ रैशनल फ्रैक्शन। अब इस रैशनल फ्रैक्शन में इस बिट कॉम्प्लिकेटेड कि आप डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करेंगे अगर, तो बट अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो ये हमने रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो इन आप यानी कि आपने प्लस प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इनको इंटीग्रेशन आप अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन इस परस्पेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास ओवर के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो और उनकी आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी हो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आप बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन अपने जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनको आप रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी बेस पर इंटीग्रेशन आपकी कन्वीनियंट हो जाती है। सो ये था हमारा ओवरऑल कि हमें इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, जस्ट टू मेक मेक ईजियर द एक्सप्रेशन। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ये कुछ लाइक प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो उनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे
एक कंडीशनल इक्वेशन होती है और एक आइडेंटिटी होती है। होती तो दोनों इक्वेशन है, दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है कि कंडीशनल इक्वेशन क्या है कि वो कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई हो रही होती है। लेट्स से 2x इक्वल टू 3 है तो ये x इक्वल टू 3/2 इसका वैल्यू मिलेगी और ये इक्वेशन जस्ट 3/2 के लिए ही सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली ये इक्वेशन है बी पार्ट में तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स के दो आंसर मिलेंगे 2 और -3, तो ये इक्वेशन जस्ट इन्हीं को सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा किसी भी जगह पर वैल्यू पुट करने से लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, कंडीशनल इक्वेशन में होता है। लेकिन जब आप आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी में हमारे पास जो लेफ्ट और राइट साइड होती है वो बिल्कुल सेम होती है, और आप एक्स की कोई वैल्यू भी पुट करें तो लेफ्ट और राइट का आंसर हमें सेम मिल रहा होता है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमारी लेफ्ट और राइट साइड आपको सेम मिलती है, लेकिन आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी के अंदर आपके पास लेफ्ट और राइट जो साइड है वो ऑल वैल्यूज फॉर एक्स क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट है जी रैशनल फ्रैक्शन, वो सिंपल है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब ओवर में हो, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल हो और क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है जी, अब रैशनल फ्रैक्शन की आगे दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो रैशनल फ्रैक्शन की जो दो टाइप्स हैं वो क्या होंगी, एक है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर। तो ये किस बेस पर डिसाइड होती है, ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होती है उनकी डिग्री की बेस पर डिसाइड होता है। अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ 3/x+1, इसके जो न्यूमिरेटर है ये भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर सारे क्या है, इंटीजर्स में है। तो जब इसमें हम 3 की पावर देखेंगे तो एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है वेरिएबल की पावर। तो जो वेरिएबल की पावर होती है पॉलिनोमियल में, जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसे क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमारा न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर है उसकी जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल की वो क्या हमारे पास वहां पे 0 है, और डिनोमिनेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है, 1 मिली, तो इसकी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या 1 है। तो ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो और न्यूमिनेटर की लेसर हो तो वो क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। सेकंड एग्जांपल में देखें तो ऊपर वाले जो हमारे न्यूमिरेटर जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स उसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, और नीचे वाले में डिग्री क्या है हमारे पास 2 है क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 मिल रही है। तो फिर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और न्यूमिनेटर की कम है, तो इट्स अगेन आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सिमिलरली इधर भी डिग्री 2 है न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपने रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी तो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना जरूरी होता है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं इम्प्रॉपर क्या होती है। पहले बात इम्प्रॉपर में इसके रिवर्स होता है कि इम्प्रॉपर में या तो डिग्रीज बराबर होती हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, या हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो लेसर होती है। तो फर्स्ट टू एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो नीचे भी एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो जब बराबर है एक्स की पावर यानी कि डिग्रीज बराबर है न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की, तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गया। इसमें अगर आप देखें तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड एग्जाम्पल में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो ऊपर वाली जगह पर जब सिंप्लीफाई करने के बाद मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी 2 मिलेगी, यानी कि 2 हमारे पास डिग्री होगी। नीचे भी सेम ऐसी डिग्री क्या होगी, डिनोमिनेटर की भी 2, तो इक्वल डिग्री है हमारे पास पॉलिनोमियल की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की, सो इट्स अगेन अ इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। थर्ड एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें भी क्या है कि न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1, तो डिनोमिनेटर की डिग्री कम आ गई है। तो अगर ऐसा केस हो कि डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो तो ये पीए क्या बन जाती है हमारे पास, अगेन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इधर भी डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है हमारे पास कम है, तो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो तो वो क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब मैंने अभी बताया आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको रिक्वायर होता है प्रॉपर जो है रैशनल फ्रैक्शन, तो जब कभी आपको इम्प्रॉपर आ जाएगा तो इम्प्रॉपर को भी इजीली आप प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास कैलकुलेशन हैं तो हम अगर देखते हैं कि वो किस टेक्निक के थ्रू हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे देन ही आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आपकी इंटीग्रेशन ईजियर हो जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास एग्जाम्पल है, तो इसमें देखें न्यूमिनेटर की डिग्री 2 है डिनोमिनेटर की 1 है, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम होगी, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर
रैशनल फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसको आपने लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, जो आप हम सिंपल डिवीजन करते हैं, उस डिवीजन के थ्रू आपने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। कि अब इसमें क्या है, 3x² + 1 डिवाइड हो रहा है किससे, x-2 के। तो आप इसको उसी तरह से 3x² + 1 × x-2 कहेंगे। देर इज अ टाइपो, कि इधर 3x² है हमारे पास, यहाँ पे 3x² + 1 आपने अंदर रखा और बाहर आपने x-2, और आपने 3x से मल्टीप्लाई करवा के कैंसिलेशन करके, तो एट दी एंड आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, 13, ये आएगा 3x + 6 + 13/x-2। तो इसकी बेस पे आपके पास ये क्या बनेगा, इन प्रॉपर जो है प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आई होप सो कि आपको ये डिवीजन वाली टेक्निक जो आप सबको आती होगी, आप लोग प्राइमरी लेवल से ये चीजें सीखते आ रहे हैं डिवीजन को। तो हायर जो है डिग्री वाली है न्यूमरेटर, उसको आप अंदर रखें, और लेस डिग्री वाली को आप बाहर रखें, और आप उनको कैंसिलेशन करते हुए अल्टीमेटली आपने कॉन्स्टेंट अचीव करना है। जब आपके पास यानी कि डिग्री कम हो जाएगी, तो फिर आप जस्ट सिंपली उसको, अब 3x6 + 6 एज इट इज आ जाएगा, 3x + 6 प्लस जो रिमाइंडर बचा 13/2, जो हमारे पास डिवाइडर था x-2 प्लस, उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। तो 3x + 6 + 13/x-2, तो ये हमारे पास है। अब इसको देखें तो इसके अंदर 3x + 6 हमारे पास एक सिंपल, हमारे पास एक दो डिफरेंट टर्म्स बन गई, और 13/x-2 जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर की पावर डिग्री क्या है 0 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर से प्रॉपर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल टेक्निक है कि जब भी इम्प्रॉपर आएगी उसको आपने प्रॉपर में कन्वर्ट मस्ट करना है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में था। पहली चीज हमने क्या देखी कि आपको रैशनल फ्रैक्शन होती क्या है, और रैशनल फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पेश आई, और उसके अलावा हमने ये देखा कि एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा चाहिए होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉप अगर कभी कभी इन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए, तो इन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज करते हैं, और आपकी इन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाए, देन आप उसको आगे फर्दर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। टिल नाउ थैंक यू। बाकी हम अपने किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।